नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर, आप देख रहे हैं यूएसटी चैनल। तो दोस्तों आज हमारे पास एक चाइना का फ़ोन है और ये इसमें लैंग्वेज जो है अदर चूज हो चुकी है, यानी कि अदर भाषा जो है सेलेक्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दोस्तों। तो देख सकते हैं, अभी हम आपको चेक करा देते हैं कि देखिए ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो अदर भाषा लिख के आ रही है, यानी कि अदर लैंग्वेज लिख के आ रही है, जिसकी वजह से हमको समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो देख सकते हैं यहाँ भी भाषा जो है वो अदर दिखाई दे रही है, जो कि हमारी समझ से बाहर है। तो हमारे अंदाज में ये मलयालम भाषा होगी दोस्तों, लेकिन हम इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? तो ये सॉल्यूशन जो है अगर एक दूसरा फ़ोन है तो उसके हिसाब से आप देख देख के कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप पे हार्ड रीसेट के द्वारा भी इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले नीचे आना है, ये गोल गोल जो दिखाई दे रहा है कट टाइप का, तो ये सेटिंग का निशान होता है। तो इसके नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीसेट सेटिंग, तो ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है बीच वाले होम की से। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रीसेट ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम दबा के इसको रीसेट ऑल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों चाइना का पासवर्ड होता है 1 2 3 4, तो ये सभी चाइना का पासवर्ड होता है दोस्तों। तो ये हमने क्लिक किया और ओके कर देना है इस पर, तो थोड़ी देर बाद ये फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बंद होकर चालू हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये TMB कंपनी का फ़ोन है, आपके पास कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, चाइना कीपैड, ये वर्क जो है किसी भी फ़ोन में वर्क करेगा। ये काम आप करके देखेंगे, आपकी प्रॉब्लम का जो है डेफिनेटली सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुआ है तो कमेंट करके एक बार बता जरूर देना। तो देख सकते हैं दोस्तों एयरटेल लिख के आ गया है, इंसर्ट सिम बता रहा है, सब कुछ बताने लगा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और लैंग्वेज भी जो है इंग्लिश सेलेक्ट हो चुकी है अपने आप, जो भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होना है वो हो जाएगी। इसके बाद आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे पहुँचे थे, तो लैंग्वेज सेटिंग पे पहुँचे थे, तो कस्टमर पहुँचा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भाषाएं होती हैं वो गुजराती भी है, तमिल भी है, मलयालम भी है, कई तरीके की भाषाएं होती हैं, आपको जो सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं, लेकिन गलती से अगर गलत भाषा सेलेक्ट हो जाती है तो हार्ड रीसेट करना होता है, जो हमने आपको करके दिखाया है। तो बस यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।